स्वामी रामदेव हमारे साथ आ गए, उनसे हम बातचीत करेंगे। जब तक स्वामी जी आ रहे मंच पर, सुधांशु जी, आप चंद्रांशु जी, आप अपनी तरफ से भी मैं चाहती हूँ एक सुंदर भजन के साथ हम यहाँ पर अपना वो स्वामी जी शुरू करेंगे जी। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वामी जी भजन हो रहा है यहाँ पे, आपके आगमन के लिए है ये। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, निर्धन के धन सीता राम, निर्धन के धन सीता राम, निर्बल के बल सीता राम, निर्बल के बल सीता राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। तो देखो श्वेता जी, जो राम राम नहीं करेगा, जय श्री राम जय सिया राम नहीं करेगा, उसका राम नाम सत हो जाएगा। जय श्री राम। और राम जी की कृपा से उसका मोक्ष हो जाएगा, जैसे रावण का मोक्ष हुआ ना। इसलिए जो अपना राजनैतिक मोक्ष कराना चाहते हैं वो राम विमुख हो रहे हैं, उनको भी भगवान सदमति दे और नहीं तो सदगति दे। जय श्री राम। चलिए आचार्य बालकृष्ण जी भी हमारे साथ आए हैं, और एक एक रहस्य की बात मैं सच में कभी नहीं समझ पाती हूँ। आपने मुझे बहुत आसन सिखाए हैं पर मुझे ठंड बड़ी लगती है स्वामी जी, ये सरयू किनारे सब ठंड के कपड़े और देखो हम बिना ठंड के देखो ये घुमा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री। सुबह सुबह पेट घुमाया करो, थोड़ा दंड बैठे के लगाया करो। वैसे श्वेता जी, आप एक अच्छी पत्रकार ही नहीं है, श्वेता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि राम जी कितने वर्षों से टेंट में थे, तब ये शिखर वाले वो कहां चले गए थे। जो टेंट से अपने दिव्य भव्य मंदिर में आ गए हैं वो प्रश्न उठा रहे हैं कि शिखर तो बनाइए। अरे राम ही हमारे धर्म अध्यात्म संस्कृति के शिखर पुरुष हैं। जय श्री राम। वो परात्पर ब्रह्म भी हैं। अब देखो हमारी ये बहन कितनी प्यारी है। इनका इनका त्रिशूल भी बड़ा प्यारा है, और ये सार राम सबके हैं, और हिंदुओं के ही नहीं, अरे मुसलमान उनको पूर्व अपना पूज्य नहीं मानते तो पूर्वज तो उनके भी। और इसलिए श्वेता जी, हाँ। ये जो बात जो लोग उल्टी पुल्टी कर रहे हैं ना कि राम जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से होने चाहिए, राम ही विधि है, हाँ। राम ही विधान है, और राम ही राष्ट्र के आध्यात्मिक संविधान है। प्रेम शुक्ला जी, एक छोटी सी चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि निर्माण न्यास ने कराया जी, है ना जी, निमंत्रण भी न्यास की तरफ से ही गए हैं, इसीलिए आपकी भूमिका पर वो पूछते ना, पहले वो कहते हैं सरकार ये तो बना नहीं रही, वो बना नहीं रही है, मंदिर बना रही है, फिर आप कहते हैं कि अरे वो तो लोगों के पैसों से बन रहा है, लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। राम की भूमिका है कि नहीं, हाँ। तो जहाँ राम की भूमिका वहाँ राम भक्तों की भूमिका, अभी तो बताया ना। देखो लोगों, शुक्ला जी, लोगों के पैसे से बन रहा है, कम्युनिस्टों के पैसे से नहीं बन रहा, कांग्रेस के पैसे से नहीं बन रहा, अरे लोगों का पैसा। अरे राम राम ही हमारे धन है, पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बोलो जय सिया राम। तो लोगों का धन राम का धन, और राम हमारे धन है। मुझे कहा जा रहा है ब्रेक मत लो स्वामी जी, अच्छी को एंकरिंग कर रहे हैं आपके साथ। नहीं देखो हम तो ऐसे टहलते भी आ गए, हम आज किसी के बुलावे में नहीं आए, हम तो राम के बुलावे पे आए हैं, और हमने देखा इधर मजमा लगाए यही आ जाते, हल्ला अब हल्ला बोल नहीं, राम राम बोल। नहीं स्वामी जी, आज हल्ला बोल में भी राम राम बोल हो रहा है, राम के बुलावे पे रामदेव आ गए हैं, देखिए इससे बड़ा क्या होगा, साक्षात रामदेव।
अयोध्या नगरी के लिए कहा जाता था ना कि कहीं भी खड़े होकर राम बोलो अयोध्यावासी आ जाते हैं। ये बात तो सही है। चारों तरफ जो अवध में और जो अयोध्या में हमने इस बार देखा वो कभी नहीं देखा। जय श्री राम। इतना सौंदर्य देखते ही बन रहा है चारों ओर। जय जय सियाराम। और सुनो ए राम भक्तो, एक बात और सुन लो, मात्र राम का नाम ही नहीं लेना है, राम जैसा काम भी करना है, बहुत अच्छी बात, राम जैसा चरित्र भी रखना है और राम जैसा चरित्र निर्माण करते हुए नए राष्ट्र का निर्माण भी करना है। तब जब हम राम की मर्यादाओं को सुनो, राम की, राम के चरित्र को, राम के आचरण को अपनाएंगे, तब राष्ट्र में राम राज्य आएगा। क्या आएगा बोलो? राम राज्य आएगा। तो ये राम मंदिर राम राज्य के निर्माण की आधारशिला है। स्वामी जी बहुत बार अयोध्या आए हैं आप, अरे थोड़ी शांति भी रखो। ये श्वेता जी, ये सुनो सुनो सुनो, ये हल्ला बोल को सार्थक कर रहे अयोध्या इतनी बार आप आए हैं और आप चूंकि इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि, और हम चर्चा भी ये कर रहे थे कि किसका योगदान नहीं, वो जो भावुक पोस्टर है ना जहाँ पर देवराहा बाबा से लेकर सबकी तस्वीर लगी है और लिखा है कि हम यही है, जो आंदोलन में थे और आज नहीं है वो भी यही है। देखिए एक बात सुनो सब गौर से, राम मंदिर निर्माण की राजनीतिक उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। जय श्री राम। इसका राजनीतिक श्रेय मोदी जी को जाता है, इसका संगठनात्मक श्रेय विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को जाता है, और इसका धार्मिक आध्यात्मिक श्रेय देश के साधु संत महात्माओं को जाता है, और जिन राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी उनको भी ये श्रेय जाता है। देखो आप लोग हल्ला मत बोलो नहीं तो हम उधर ही आकर के ठोकेंगे तुमको। हाँ तो सुनो, अब जब कोई काम सुनिये, होता सुनिये, स्वामी जी स्पष्ट कर दीजिए, ठोकेंगे कल के दिन, इसके बहुत मायने निकाल लिए जाएंगे। हाँ बोल रहे ना, वो वाले बाबा जी प्रदेश में है। तो देखो एक बात सुनो, जो 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 राम काज में बाधा डालेंगे उनको ठोकने के लिए तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो इसलिए राम तो सबसे प्रीति करते हैं। देखो राम, देखो राम जी कैसे हैं, सब नर कर ही परस पर प्रीति हो, सब नर कर ही परस पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय श्री राम। ये तो फव्वारा भी ऐसे चल रहा है जैसे सुदर्शन चक्र ऊपर चल रहा हो। हाँ ये तो अब धर्म का सुदर्शन चक्र चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये लोकतंत्र है या धर्मतंत्र है। श्वेता जी कुछ उल्टी बुद्धि वाले कह रहे हैं ये धर्मतंत्र है या राजतंत्र है, लोकतंत्र है, ये धर्मतंत्र भी है, ये राजतंत्र भी है, ये लोकतंत्र है। तो एक हमारा राजनीतिक संविधान है और एक हमारा ये सनातन का आध्यात्मिक संविधान है और उसका विधि विधान राम जी ने तय कर दिया है। पर सब लोग क्या ये कल्पना कर पा रहे हैं कि कल क्या करेंगे? प्रतीक्षा जब किसी चीज की बहुत अधिक हो जाती है ना, अगर छोटे छोटे में आप सब सोच पाए कि 22 जनवरी वो मुहूर्त जब पूजा शुरू हो गई प्राण प्रतिष्ठा की, अक्षर बताम फलमिदम न परम विदामा, हमारे नेत्रों का वास्तविक फल मिलने जा रहा है, हम लोग यही सोच रहे हैं।
आज हमारे इतने महापुरुष एक साथ आ गए, एक बार सब साधु संत महात्माओं की भी जय जयकार हो। महापुरुषों सबको जय श्री राम। जी महाराज जी, हम बोल रहे हैं कि कल का दिन, मतलब 500 वर्षों से जब कोई प्रतीक्षा होती है और वो दिन आ जाता है। ये केवल 500 वर्ष का नहीं, मैं तो समझता हूँ जब से सृष्टि बनी है, लाखों करोड़ों वर्ष से जब से सृष्टि बनी है, जो दिन कल का दिन है, ऐसा दिन फिर दोबारा ना तो कभी आया था ना आएगा। जो कल का दिन है वो अपने आप में सबसे अनोखा दिन है। दोबारा आएगा, एक बार श्री राम ने दोबारा एक बार आएगा, दोबारा एक बार आएगा, मथुरा में आएगा, काशी में आएगा, दोबारा आएगा, काशी में आएगा, दोबारा आएगा, अयोध्या में, मथुरा में आएगा, काशी में भी आएगा। भगवान ने ये कल का दिन बनाया है। ये दबाव लगता है आपको या अदालती लड़ाई लड़ेंगे सबकी? देखिए, ये संवैधानिक अधिकार है कि जैसे राम लला की पवित्र जन्मभूमि जो है वहाँ भव्य दिव्य राम मंदिर है, वैसे जहाँ पर भी हमारे गुलामी के प्रतीक हैं, वो सारे गुलामी के प्रतीक संविधान के दायरे में नष्ट हो जाएं, ये संकल्प पूर्ति होनी ही चाहिए। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में आएगा जैसे राम मंदिर निर्माण था? तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, लेकिन राम भक्तों की इच्छा तो यही है, राम भक्तों की इच्छा यही है और शिव भक्तों की भी इच्छा यही है। इच्छा नहीं, विश्वास है। इच्छा ही नहीं है, विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि जैसे आज अयोध्या में हो रहा है, ऐसे काशी में होगा, ऐसे मथुरा में होगा, ऐसे दिल्ली का कुतुब मीनार जिसको कहा जा रहा है, वो गरुड़स्तंभ भी हमारे, वो अदालत ने कह दिया है उस पर। हम सबने तो पहली धर्म संसद में तय कर लिया था, काशी विश्वनाथ मथुरा तीनों एक साथ लेंगे। अभी तो मथुरा प्रारंभिक स्थिति है ना, तो मथुरा में ही तैयारी है और काशी में तो जहाँ भगवान स्वयं विराजमान है, जहाँ तथाकथित विधर्मी लोग भजू करते थे हिंदुओं के वजूद मिटाने के लिए, उन अभागों का भी दिन पूरा होने वाला है, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया उसकी सफाई होगी। तो केवल कुंड की सफाई नहीं होगी, धर्म विरोधियों की भी सफाई हो जाएगी। अब चिंता नहीं अवश्य होगी। जो सनातन नहीं मिटा दसकंठ की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा हिरणाक्ष के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन कभी भी नहीं मिटेगा किसी भी धर्म निरपेक्ष सरकार से, किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो राम को काल्पनिक बताए। पर धर्म निरपेक्ष खराब शब्द हो गया है क्या? धर्म निरपेक्ष मतलब धर्म जिस दिन आप जिस वे पर ले रही उसका मतलब वो नहीं है, क्योंकि धर्म निरपेक्ष का मतलब यह है कि जब तक हिंदू हिंदू धर्म को मान। मुझको क्लियर करने दिए, जब हिंदू हिंदू धर्म को मान रहा है, मुस्लिम मुस्लिम धर्म को मान रहा है, सिख जिसके लिए राम राज्य में कहा गया सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति, जो अपने अपने धर्म को मान रहा है, तब तक वह धर्म निरपेक्ष व्यक्ति नहीं हो सकता, राष्ट्र धर्म निरपेक्ष हो सकता है, उसमें कोई धर्म निरपेक्ष। श्वेता जी, धर्म निरपेक्ष माने अधर्म सापेक्ष। धर्म निरपेक्ष का सीधा अर्थ है संस्कृत व्याकरण में स्वामी जी, धर्म निरपेक्ष का सीधा सा अर्थ है अधर्म सापेक्ष। जो धर्म की अपेक्षा नहीं रखेगा वो अधर्म की अपेक्षा रखेगा, इसलिए धर्म निरपेक्ष हम हो ही नहीं सकते। हम धर्म सापेक्ष हैं और अधर्म निष्पेक्ष हैं। जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ स्वतः अंधकार होता है, जहाँ धर्म नहीं है वहाँ स्वतः ही अधर्म होता है। धर्म सदैव सापेक्ष होता है, धर्म कदापि निरपेक्ष नहीं हो सकता। जो धर्म निरपेक्षता कहते हैं वो अधर्म की बात करते हैं, वहाँ जहाँ धर्म नहीं है वहाँ अधर्म ही अधर्म होगा। जय श्री राम। खुद स्वामी जी ने बढ़िया बात कही है, धर्म एक ही है और उसका नाम है सनातन धर्म, बाकी कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। धर्म एक ही है और उसका नाम है सनातन धर्म, और उस धर्म की व्याख्या है वेद प्रणहितो धर्म ये धर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूर्तसुश्रुतः। वेद विहित शास्त्र निर्दिष्ट मार्ग ही धर्म है, और वो धर्म है सनातन धर्म, हिंदू सनातन धर्म, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। तो क्या केवल रास्ता टकराव का संघर्ष का ही होगा महाराज जी? देखिए, हमने संघर्ष कभी नहीं किया। हमने 500 साल बीत गए, सोचिए आप 500 साल में हिंदू चाहता तो जैसे ही ये देश स्वतंत्र हुआ था मना लेते। हमने 70 साल कानून लड़ाई लड़ी है, आज मंदिर बन रहा तो किसी की दया पर नहीं बन रहा है, किसी की कृपा पे नहीं बनना है, वो साक्ष पे बनना है, भगवान की कृपा पे बनना है। इसलिए
अयोध्या भी बनना है मंदिर, काशी में भी साचे बनेगा और मथुरा में भी बनेगा। किसी की दया पर नहीं, साच देना पड़े भगवान राम को, अपने जन्म स्थान का साच देना पड़ा मेरे प्रभु को, इससे बड़ा कष्ट क्या होगा। हम चाहते थे बहुत पहले बना सकते थे, हमने संविधान का विरोध नहीं किया, कानून की बात मानी है। और पूरे राम भक्त आज भी मान रहे हैं, हम तो आज भी कहते हैं हमारे 32,000 मंदिरों को विध्वस्त किया, हमने 3 मांगे थे, इससे बड़ा और क्या होगा धर्म नीति, और क्या हो सकता है। पर अब तो हिंदू जाग चुका है ना, तो हो सकता है 3 लाख भी आवश्यकता पड़ेगी, तो हम भी बिल्डोजर चलेगा तो चलेगा। चंद्रांशु जी, साथ मिलकर कुछ पंक्तियां हम लोग गुनगुना लें, क्योंकि कल का जो ऐतिहासिक क्षण है वो दोबारा जिंदगी में फिर आने वाला नहीं है, इसलिए मेरे साथ मिलकर के सब लोग साथ में गुनगुनाएंगे। सबसे बड़ी बात आई गए हैं मेरे रघुराई, आई गए हैं मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आए, अवधपुरी में आई गए हैं मेरे रघुराई, मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई, अवधपुरी में बहार आई, भौरा हंसी हंसी यूं बोला, भौरा हंसी हंसी यूं बोला, पंकज ने पखुड़ी खोला, पंकज ने पखुड़ी खोला, राम से सुंदर सुमन पाई, अवधपुरी में बहार आए, रावधपुरी में बहार।